बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से 24 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान उत्तम प्रकाश शहरे द्वारा दी गई है। पिछले साल मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उससे भी कम बजट इस साल पेश हुआ है, जिससे जनता को फंसाने का काम ये सरकार कर रही है। पिछले साल बजट में शिक्षा पर 2.64% और इस साल 2.51% का बजट पेश किया गया है, जो काफी कम है। इसीलिए 24 फरवरी को पूरे राज्य में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर बजट की होली की जाएगी। सबको जय भीम जय मूल नशी। मैं उत्तम प्रकाश आर्य, विदर्भ प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी। दिनांक 24 फरवरी 2023 को बजट जलो आंदोलन रखा है। वो आंदोलन क्यों रखा है, ये नीचे दिए हुए जो बिंदु है उसके तहत हम बजट जलाओ आंदोलन रखे हुए हैं। पिछला जो बजट था शिक्षण का वो 2.64 था, इस बार वो बजट कम होकर 2.51 हुआ। बिंदु नंबर दो आरोग्य, आरोग्य का पिछला जो बजट था वो 20% था, इस बार वो बजट 1.98% है। बिंदु नंबर तीन क्षति, पिछला जो बजट था वो 3.84 था, इस बार का जो बजट है 3.20% है। बिंदु नंबर चार ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट, पिछला जो बजट है 5.81 है और इस बार का जो बजट है 5.29% है। पिछला बिंदु नंबर पाँच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पिछला जो बजट है बजट में 15,500 करोड़ था, इस बार का जो बजट है वो 13,625 करोड़ है। बिंदु नंबर छः मनरेगा योजना, पिछला जो बजट है वो 73,000 करोड़ था, इस बार का जो बजट है वो 60,000 करोड़ है। बिंदु नंबर सात प्रधानमंत्री सम्मान निधि, पिछला बजट है 68,000 करोड़ और इस बार का जो बजट है 60,000 करोड़। बिंदु नंबर आठ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर, पिछला जो बजट है 2,25,000 करोड़ और इस बार का जो बजट है 1,75,000 करोड़ है। उसके बाद बिंदु है बिंदु क्रमांक नौ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पिछला जो बजट है 5,020.50 करोड़, इस बार का जो बजट है 3,097 करोड़ है। पिछला जो बजट था उसके तुलना में ये बजट इस बार कम किया गया करके ये बजट हम जला रहे हैं। ये बजट महाराष्ट्र के पूरे जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और नागपुर में संविधान चौक में जलाया जाएगा। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।